हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। अम्बेलिकल कॉर्ड या फिर जो गर्भ नाल होती है, जो एक मदर को अपने बेबी के साथ जोड़कर रखती है और जो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे न्यूट्रिएंट्स और पौष्टिक चीज़ें आपके बेबी तक पहुंचाने के लिए, उसके बारे में एक बहुत हमें टेंशन वाली बात लगती है कि जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है अगर वो आपके बेबी की नेक के अराउंड हो जाए, आपके बेबी के नेक के अराउंड आ जाए तो वो कितना मुश्किल हो सकता है आपके बेबी के लिए। ये बहुत सी केसेस में होता है कि जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है वो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो आपके बेबी की नेक के अराउंड आ जाती है। या फिर हो सकता है कि आपका बेबी जो है वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, जिस वजह से वो खुद ही अपने कॉर्ड के अंदर फंस गया है। तो ये आपके बेबी के लिए क्यों खतरनाक कही जाती है, ये आपके बेबी के लिए इसलिए डेंजरस कही जाती है क्योंकि अगर ये आपके बेबी के नेक के अराउंड आ जाए तो इससे आपके बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और कई केसेस में अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, बच्चा इसमें बुरी तरह से, बच्चे की नेक इसमें बुरी तरह से फंस जाए, तो कई केसेस में सांस घुटने से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके बेबी, आपको पता लगता है कि आपके बेबी के नेक के अराउंड अम्बेलिकल कॉर्ड आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए। यूजुअली हमें पता लगता है कि जो अम्बेलिकल कॉर्ड है वो हमारे बेबी की नेक के अराउंड 9th मंथ या फिर जब हमारा लास्ट टाइम होता है उसी टाइम आती है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार सी सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एंड पर है टाइम तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आपका 9th मंथ या फिर लास्ट मंथ चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने डॉक्टर्स के सजेशंस के अनुसार आप सी सेक्शन ऑप्ट कर लें। अगर आपको पता लगता है कि आपके बेबी की नेक के अराउंड अम्बेलिकल कॉर्ड जो है वो शुरुआती के मंथ्स में ही आपके बेबी के नेक के अराउंड है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये आपके आपके बेबी के लिए डेंजरस ना हो। सबसे पहले तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे और आपको ऐसा करना ही चाहिए आप डॉक्टर्स के सजेशंस के अकॉर्डिंग कि आप टाइम टू टाइम अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें। अगर आप टाइम टू टाइम अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहेंगे तो इससे आपके डॉक्टर्स को और आपको आपके बेबी की कंडीशन, जो प्रेजेंट कंडीशन है, उसका पता लगता रहेगा। तो अगर आपको लगेगा या आपके डॉक्टर्स को लगेगा कि कोई भी रिस्क वाली बात है तो आप उस चीज़ को टाइम रहते हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इनटेक करेंगे तो बेबी की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और अगर बेबी की मूवमेंट ज़्यादा होनी शुरू होगी तो वो इजीली अपनी कॉर्ड से बाहर आने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है बच्चा मूव करते करते ही कॉर्ड से बाहर आ जाए। उसके बाद है, आपको अपने बेबी की मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बेबी की मूवमेंट कब हो रही है, और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील होता है कि आपके बेबी की मूवमेंट कम हो गई है तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो उस चीज़ को आप जल्दी से पकड़ सकें और उस चीज़ का आप जल्दी से सोल्यूशन निकाल सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेबी की जो मूवमेंट है उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहें, उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते रहें, मॉनिटर करते रहें। उसके बाद है, आपके डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको वॉक करनी चाहिए। अगर आप वॉक करेंगे तो आपका बेबी भी एक्टिव होगा। बेबी एक्टिव होगा तो वो अंदर ही आपके स्टमक में मूवमेंट ज़्यादा करेगा। हो सकता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा करने से वो अपनी कॉर्ड से बाहर आ जाए और ये प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाए, उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाए कि वो अपने आप ही अपने जो कॉर्ड है उसके अराउंड उलझी पड़ी है उसमें से निकल कर बाहर आ जाए। तो अगर आप वॉक करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपका आपको बिल्कुल आपके एंड मंथ में पता लग रहा है कि आपके बेबी के अराउंड कॉर्ड है तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर्स से कहें कि, या आपके डॉक्टर्स ही आपको कह सकते हैं कि आप सी सेक्शन को ऑप्ट कर लीजिए। आपको इस चीज़ में देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा भी रिस्क आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये थे कुछ सिंपल से टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने बेबी की जो एक डेंजर है अम्बेलिकल कॉर्ड से रिलेटेड, उससे बाहर आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।